रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एंड ये सीरीज काफी ज्यादा बेहतरीन है एंड हमें पता चलता है कि सीजन 1 की एंडिंग के बाद जो भी चीजें होती हैं ये सीजन 2 में कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि उनकी जितनी भी फाइट्स थी एपिसोड 10 के बाद से अब वो वापस से कंटिन्यू की जा रही है सीजन 2 के एपिसोड 1 से। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि मैं इस स्टोरी को सिर्फ समराइज कर रहा हूँ, न कि डिटेलिंग में आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ, तो आप लोग बस सिर्फ समराइज के हिसाब से ही समझिएगा एंड पूरी स्टोरी मैं समराइज के हिसाब से ही बताऊंगा। एंड जिस पे हम लोग को ये बात तो पता चल चुकी है कि हर्क्यूलस वर्सेस जैक द रिपर के साथ फाइट होने वाली है, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि इस ह्यूमन एंड इस हर्क्यूलस के बीच, जहाँ पे गॉडेस उसके सामने झुक जाती है एंड ये लोग बात करते हैं एंड गॉडेस को पता होता है कि अगला मेंबर या कहूँ अगला अपोनेंट हर्क्यूलस का कौन होने वाला है। जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है उस दौरान एक और गॉड आता है जो कि उसे काफ़ी अच्छी तरीके से उसका मजाक उड़ाता है। एंड हाँ, ये चीज़ मैं बता दूँ कि वो थोड़ा सा इरिटेट पर्सन होता है हर्क्यूलस, वैसे तो खुशहाल व्यक्ति है लेकिन वो कभी कभी थोड़ी सी इरिटेटिंग महसूस करता है इस सीरीज के अंदर, ना कि रियल माइथोलॉजी में। खैर, यहाँ पर मैं देखने को मिलता है कि जितने भी गॉडेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा ईवेल हंसी हंसती है एंड इसका हंसने का कारण भी है क्योंकि इसने जिसको अपना अपोनेंट हर्क्यूलस को बनाया है एक्चुअली में वो इंग्लैंड के काफ़ी बड़ा मर्डरर है जैक द रिपर के नाम से एंड वो एक तरह का डिटेक्टिव भी कह सकते हो उसे, वक्त का बहुत ज़्यादा पाबंद भी है। एंड यहाँ पर ये लड़की थोड़ी सी सहम जाती है क्योंकि अब इसे वापस से उसी ऑडिटोरियम में जाना होगा जिस ऑडिटोरियम के अंदर सभी के सभी गॉड्स एंड ह्यूमंस बैठे होंगे। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये एक इंग्लैंड का इमेजिनरी सीन दिखाया गया है, एक इमेज बनाई गई है एंड इसके बाद हमें ये सब कुछ एक टॉकीज टाइप की चीज़ में दिखाया गया है। यहाँ पर जैक द रिपर का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिलता है एंड ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, यानी जैक द रिपर एंड हर्क्यूलस। अब हर्क्यूलस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि इसके पहले जितने भी अपोनेंट आए हुए हैं या फिर कहूँ ह्यूमंस की तरफ से जितने भी बंदे आए थे वो सब के सब विनिंग थे या फिर लूज थे, जो भी चीज़ें हुई थी उन सबको वो याद करता है एंड जैक द रिपर के ऊपर पूरा गुस्सा निकालने की भी कोशिश करता है। जैक द रिपर ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों गॉडेस भी देख रही होती हैं एंड ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एक इतने सोडियोल बॉडी के साथ वाला के साथ कैसे फाइट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमें कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाए गए हैं जिसके बाद हमें वहाँ के मेयर को दिखाया गया है, ये मे भी मेयर ही होगा जो कि यहाँ पर सभी लोगों को संबोधित कर रहा है एंड वो भी आकर इस मैच को देखने वाला है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है हर्क्यूलस को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है एंड जैक द रिपर अपनी सीजर को निकालता है एंड ये सीजर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हमें सभी गॉडेस को दिखाया गया जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ भी बोलते नहीं हैं। एंड अब यहाँ पर हमें ना एक बेहतरीन फाइट देखने को मिल सकती है जहाँ पर हर्क्यूलस कहता है कि हम चलो फाइट करना ही स्टार्ट करते हैं। वहीं पर सभी के सभी ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे, कारण भी बहुत सिंपल था क्योंकि सामने हर्क्यूलस खड़ा है, वो गांड फाड़ देगा सबकी, तुम्हारे से बस्ती के आड़ झाड़ को ऐसे हटा फटा देगा। खैर, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तभी जैक द रिपर वहाँ से भाग जाता है एंड चाय पीने लगता है एंड इसको देखते हुए ना हमारा हर्क्यूलस होता है वो और भी तक गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसके लिए बोल ऑफर करने पर चाय पीने आता ही है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आता है तो इसकी एक स्टिंग दिखती है जो कि इतनी पतली होती है जिसकी वजह से उसकी आँख भी फूट सकती थी। जैसे वो स्टिंग को तोड़ता है तो ऊपर से चाकू की बरसात हो जाती है, लेकिन वो अपनी बॉडी को सुडोल कर लेता है जिसकी वजह से वो सभी चाकू मुड़ जाते हैं उसकी बॉडी पर गिरने के पहले ही। इस पर जैक द रिपर बोलता है ओप्स। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों बहुत बेहतरीन फाइट करने वाले हैं एंड अभी ये जैसे ही उसे मारने वाला होता है तभी ये गन चला देता है। एक्चुअली में ये गन उसे ऊपर खींचने लगती है जिसे हर्क्यूलस देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि जैक द रिपर उसके साथ फाइट नहीं कर रहा, वो हर बार अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है या तो और भी दूसरी चीज़ें कर रहा है। लेकिन इस बात से हर्क्यूलस को फर्क नहीं पड़ता, हर्क्यूलस ऊपर की तरफ जंप करता है एंड उसे मारता है। उसी दौरान उसकी सीजर भी टूट जाती है क्योंकि हर्क्यूलस का जो दंद है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड अलग मेटल का बना हुआ है। फाइनली एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो भी अनाउंसर होता है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर रहा होता है एंड वो सब कुछ अनाउंस करके सब लोग को बता रहा होता है। एक्चुअली वो एक बेसिकली कैमरा भी है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जैक द रिपर को जो कि पीछे हट जाता है एंड अब वो उसके ऊपर चाकू फेंकता है, लेकिन इस बार वो सारे चाकू उसके शरीर पर घुस जाते हैं, हर्क्यूलस के शरीर पर। उसे समझ में आ जाता है कि उसे किस तरीके के मेटल का यूज़ करना चाहिए इसकी बॉडी पर मारने के लिए। तो यहाँ पर एक बेहतरीन फाइट होती है, नाइफ फाइट, जहाँ पर सभी ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं जो कि अब बहुत बेहतरीन फाइट होगी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जितने भी गॉडेस होती है ना वो बहुत अजीब तरह से हंसती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये बंदा जीत जाएगा जैक द रिपर,
एंड हाँ, इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जितने भी चाकू होते हैं उसे निकाल कर फोड़ देता है। अब इसके बाद जो भी चाकू आते हैं जैक द रिपर के थ्रू, वो सबको मारना चालू कर देता है अपने मुखदंड से, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कुछ चाकू ऐसे भी होते हैं जो कि उसके पॉइंट्स पर लगी जाते हैं। लेकिन एट द लास्ट वो अपने वेपन का यूज़ करता है हरक्यूलिस, एंड मारने की काफ़ी बेहतरीन कोशिश करता है, जिसका यूज़ करता है जैक द रिपर अपने एक अम्ब्रेला से उस पूरी के पूरे मतलब अटैक को एक छाते से रोक रहा है। भाई वो हरक्यूलिस है, वो उसने पूरा शहर उठा के रखा है न्यूयॉर्क पे। हाँ, मैं एवेंजर्स की बात कर रहा था, और ये यहाँ पे बस एक छाते से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। फाइनली रोक भी लेता है, लेकिन यहाँ पे ना हरक्यूलिस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, तो अपनी फुल पोटेंशियल का यूज़ करने की सोचता है। एंड यहाँ पर वो अपने पावर लेवल्स को भी अप करता है, जिसकी वजह से उसका मुखदंड भी जिंदा हो जाता है एंड बहुत ज़ोर से दहाड़ता है। आउ आई मीन वाला वाला। खैर, यहाँ पर एक बार फिर से फाइट करता है, एंड इस फाइट के दौरान वो इस अटैक को डॉच नहीं कर पाता, एंड जैक द रिपर दीवार से टकराता है। बेसिकली ये एक दहाड़ टाइप की चीज़ होती है जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो सीधे जैक द रिपर को बाहर ही फेंक देती है। सभी गॉड्स काफ़ी तक खुश होते हैं सिवाय एक गॉडेस के, एंड वो ये है। एंड इसी की वजह से तो फाइट पूरी चल रही है, वरना ह्यूमन रेस कब की रिलीज हो चुकी होती। एंड अब हमें देखने को मिलता है कि जो ये बंदा है ना, इसकी एक बॉडी का बोन जो है डिसलोकेट हो चुका है हाथ का, लेकिन ये वो उसे सही करता है। एंड अब हमें हरक्यूलिस को दिखाया गया है जो कि उससे बोलता है कि तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो, एंड जैक द रिपर उसकी तरफ देखता है। तभी ह्यूमंस के बीच में एक बंदे की और एंट्री होती है, एंड ये बंदा भी उनके साथ बैठकर इस पूरे गेम का एंजॉय करने वाला है। काफ़ी अजीब है। खैर, यहाँ पे हरक्यूलिस कुछ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। एंड इसके बाद देखने को मिलता है कि जो हमारा जैक द रिपर है वो एक बड़ी सी नाइफ निकालता है, शायद उसी मेटल की होगी, जो कि हरक्यूलिस को भेद सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है, जो मेरे न्यू चैनल है उसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।